हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान कितने बलशाली हैं, सबका भला करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। कभी कोई तकलीफ होती है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें, नोटिस करें कि भगवान राम जिनसे ये सारा संसार चलता है, उनकी भी हेल्प भगवान हनुमान ने करी, तो हमारी हेल्प क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छा वास्तु उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर पंचमुखी हनुमान को आप अपने घर के बाहर स्थान देते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। साउथ डायरेक्शन के जो होम होते हैं, साउथ डायरेक्शन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कई बारी हमारी ग्रोथ रुक जाती है, कई बारी बीमारियां आती हैं, लीगल केसेस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप पंचमुखी हनुमान जी को द्वार के बाहर बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से स्थान देते हैं और हर मंगलवार को उनकी अर्चना करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है और साउथ दिशा के काफ़ी वास्तु डिफेक्ट ठीक हो जाते हैं। साउथ दिशा का जो दरवाज़ा है, डोर है, उसका दोष खत्म हो जाता है। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, इमोशनल आती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं हमें घबराहट, डिप्रेशन, टेंशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा टारगेट्स होते हैं जिसे हम शायद अचीव नहीं कर पाते कभी कभी, इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर आप भगवान हनुमान का सहारा लेते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने द्वार के ऊपर और अपने घर के मंदिर में लगाते हैं तो इस प्रकार की सभी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं। जितने भी आपके जेलिसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नेबर्स की जो जेलिसी होती है, इविल आई होती है, वो सब निकल जाती है। हम कहते हैं ना कि नज़र लग गई बच्चों को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप पंचमुखी हनुमान की तस्वीर अपने दरवाजे के ऊपर की तरफ लगाते हैं, मैं आपको बताने जाता हूं कि पंचमुखी हनुमान के 5 फेसेस होते हैं तो मुख्यतः जो 3 फेसेस होते हैं उनका क्या रिजल्ट आपको मिलता है। पंचमुखी हनुमान जी का जो ईस्ट की तरफ फेस होता है वह हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ दिलाता है। प्रॉस्पेरिटी किसको नहीं चाहिए होती है, सबको चाहिए होती है। प्रॉस्पेरिटी, खुशी, धन, यह हर कोई चाहता है। तो अगर पंचमुखी हनुमान जी का फेस ईस्ट की तरफ जा रहा है तो यह सब चीज़ें ज़िंदगी में हमें मिल जाएंगी। नरसिम्हा रूप जो दक्षिण दिशा की तरफ फेस होता है हनुमान जी का, वह हमें विजय दिलाता है। मैं तो चाहता हूँ कि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करें। विजय हर जगह होती है, घर में आते हैं लोगों का दिल जीतने में हमें विजय मिलती है, बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सब लोगों को विजय करने की शक्ति हमें मिलती है। तो जो दक्षिण दिशा में नरसिम्हा रूप होता है वह हमें विजय प्रदान करता है, हमें शक्ति और कॉन्फिडेंस प्रदान करता है ताकि हम लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें। गरुड़ रूप, भगवान का एक गरुड़ रूप भी है, अगर यह पश्चिम की तरफ फेस कर रहा है तो आपको जितनी भी जेलसी है, इविल एनर्जी है, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर जो समझते हैं कि किसी ने कुछ नज़र लगा दी या किसी ने कुछ कर दिया, ऐसी भावना अगर आपके दिल में है और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वह भी दूर हो जाता है। तो मुख्यतः 3 फेस ही भगवान के नज़र आते हैं तो आप भगवान को अपने घर के द्वार के बाहर और घर के मंदिर में लगाएं। द्वार के बाहर लगाने का अर्थ यह है कि उनको एक रिस्पेक्टफुल प्लेस देना है, आपने शेल्फ लगानी है प्रॉपर, उसको शेड देना है और भगवान को शेड में रखना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही प्रसन्न होंगे भगवान हनुमान और आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे और दक्षिण दिशा का कोई भी बुरा वास्तु का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.